बोले कि कोई सुनवाई नहीं, पुलिस गया कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। अभी आप लोग ठेलप निकले हैं, कोई आया था आप लोग के पास? नहीं, कोई नहीं आया। एक 95 साल की बुजुर्ग महिला ठेले पर बैठकर बैनर पोस्टर लेकर इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा और कौन देगा ये इंसाफ, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से तो खाना पूर्ति वाले बयान ही सामने आ रहे हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। मजबूरी न उम्र देखती है और न हालात, एक मजबूरी इंसान को बहुत बेबस बना देती है और ये तकलीफ तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। प्रतापगढ़ में 95 साल की एक बुजुर्ग महिला अनारा देवी न्याय के लिए शहर भर में घूम रही है। वो खुद चल नहीं सकती, इसलिए उन्हें ठेले पर लिटाया गया है और उनका पूरा परिवार उनके साथ शहर भर में घूम घूम कर इंसाफ की मांग कर रहा है। अब आरोप है कि रानीगंज कोतवाली इलाके सोतीपुर गांव में पड़ोस में रहने वाले लल्ला के बेटे ने बुजुर्ग महिला को दवा दिलाने के बहाने ले गया और वहां उसे इंजेक्शन लगाया गया और उसकी 16 बिस्वा जमीन का बेमाना कर दिया गया। परिवार वालों की माने तो इस घटना के बाद से ही बुजुर्ग महिला बेहोश रही, जिसे कुछ दिन पहले ही होश आया है। रानीगंज तहसील से लेकर प्रतापगढ़ के अधिकारियों के लगातार चक्कर लगाए गए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद पीड़ित महिला की बेटी उसे लेकर गवाही दिलवाने के लिए शहर के चक्कर काट रही है। मेरी माँ का जमीन, मेरे पटीदार लल्ला का लड़का जमीन लिखा लिया हमारे सब चोरी से, हमको ले दवा का बहाना ले के गया था, उसको 2 इंजेक्शन लगवाया, दवा खिलाया, पागल हो गई थी। अब ये मामला है, कोई हमारे सब सुनवाई नहीं। शिकायत रानीगंज किया था, यहाँ कचहरी में किया, कोई नहीं। क्या बोले? बोले कि कोई सुनवाई नहीं, पुलिस गया कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। अभी आप लोग ठेलप निकले हैं, कोई आया था आप लोग के पास? नहीं, कोई नहीं आया था। इस पोस्टर को लेकर बुजुर्ग महिला शहर भर में घूम रही है। पोस्टर को जरा ध्यान से देखिए, इस पोस्टर पर लिखा है बैनामा अनारा देवी से 10 जनवरी 2023 को ले लिया गया है, 10 दिन बाद होश आया है, बयान देना चाहती हैं, अब होश में आई हैं, 95 वर्षीय हैं। इस मामले में हमने अधिकारी साहब से बातचीत की, लेकिन वही रटा रटाया बयान मिल गया कि जांच की जा रही है और जांच के बाद जल्द कार्रवाई करेंगे। इसमें कंप्लेन मिलने पर जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं उनके संज्ञान में भी है, आपने भी बताया, हमारी भी बात हुई, तो इसमें अब कमेटी बना करके इसमें जांच हो जाएगी। जिला निबंधक होते हैं हमारे ADM FR साहब और AIG स्टाम्प या सब रजिस्ट्रार जो भी हैं उसमें उनमें लगा करके जांच हो जाएगी। अगर गलत तरीके से किसी को संज्ञान में नहीं रख करके अधिक उम्र की महिला से या बीमार महिला से करा लिया गया और उसके घर परिवार के लोग भी आपने बताया कि नहीं थे साथ में, वो अकेली रहती हैं गाँव में, तो ये धोखाधड़ी का भी मामला हुआ, पुलिस में भी उनको तहरीर देनी चाहिए, तो उसमें भी पुलिस के अधिकारी भी उसमें कार्रवाई करेंगे। तो पीड़ित परिवार का आरोप है कि इससे पहले थाने से लेकर अधिकारियों तक के कई चक्कर लगाए गए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद में एक पीड़ित महिला जो है बुजुर्ग महिला, वो ठेले पर उसको लिटाया जाता है, बिठाया जाता है और बैनर पोस्टर लेकर पूरे शहर भर में घूमते हैं इस उम्मीद के साथ में कि अब इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में इंसाफ मिलना इतना मुश्किल हो गया है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, बुजुर्ग महिला की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल, अगर शिकायत पहले ही की गई थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तीसरा सवाल, आरोपियों के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो प्रतापगढ़ से हमारे रिपोर्टर सुनील को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और आप ही के सवालों को फिर से उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।